कुरुक्षेत्र शहर में आम आदमी पार्टी के पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा मौजूद रहे। इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में शहरवासियों से वोट की अपील की। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा किए गए इस रोड शो से लोगों में भारी उत्साह है और हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और फूलमालाएं पहनाई। फूलों की वर्षा से सभी शहरवासियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्वागत किया और स्वागत से ये साबित होता है कि इस बार इंडिया गठबंधन को लोग वोट करेंगे और मौजूदा भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। आज कुरुक्षेत्र के अंदर जबरदस्त उत्साह के अंदर रोड शो था। लोग छतों से फूल बरसा रहे थे, दुकानों से फूल बरसा रहे थे। हर व्यक्ति के हाथ के अंदर मिठाई का डब्बा था, मुस्कुराहट था, गजब का उत्साह था। भगवंत मान जी को देखने के लिए, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए जो लोगों का चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो अलग से एक ऐसा मजा आ रहा था जो देखने को ही बनता था। आज पूरे उत्साह के साथ कुरुक्षेत्र की जनता ने इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया है, आम आदमी पार्टी का आशीर्वाद। वीरेंद्र सिंह आज पार्टी छोड़ गए हैं, बीजेपी में थे, अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। धीरे धीरे बीजेपी को सभी छोड़ देंगे। बीजेपी का जो गाँव के अंदर विरोध हो रहा है, गाँव में बोर्ड लगे कुरुक्षेत्र के अंदर के इंडिया गठबंधन का स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी का नाम बना है। जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है निशान सिंह, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे जेजेपी खत्म हो चुकी है, इन लोग खत्म हो चुके हैं, वो अपना विश्वास खो चुके हैं, धरातल खो चुके हैं। नवीन जिंदल जी को मैदान में उतारा गया, क्या लगता है कॉम्पिटिशन कड़ा है कहीं ना कहीं? 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी का आरोप नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था। नरेंद्र मोदी जी को कुरुक्षेत्र की जनता को बताना पड़ेगा क्या वो 1,86,000 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में जमा हो गए, नहीं तो ईमानदार कैसे बने, कोयला चोर से कोहिनूर कैसे बने। कल एक नायब सिंह सैनी का विवादित बयान आया है, जो किसान है उनको उपद्रवी कहा गया है, इस पे क्या कहना चाहोगे? ये किसान को कभी उपद्रवी कहते हैं, कभी ब्राह्मणों को आरोप लगाते हैं, कभी जाट और नॉन जाट का आरोप लगाते हैं, कभी ये ठाकुर और राजपूतों के अंदर और गुजरों में लड़ाई कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी का धंधा यही बच गया है, ये जात पे धर्म पे लोगों का लड़ाई। परंतु हम काम की राजनीति करते हैं, हम स्कूल बनाने की राजनीति करते हैं, हम हॉस्पिटल बनाने की राजनीति करते हैं, 24 घंटे बिजली देने की राजनीति करते हैं, पानी देने की राजनीति करते हैं, बिना पैसे खर्ची पर्ची के रोजगार देने की राजनीति करते हैं, कर्मचारियों को पक्का करने की राजनीति करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम देने की राजनीति करते हैं, जनता को सुखद बनाने की राजनीति करते हैं। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो रिपोर्ट।